एज वी ऑल नो, फेसिंग एन इंटरव्यू इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, बहुत एंग्जाइटी होती है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड, एंड इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट तो वो और ज्यादा आपको एंग्जाइटी देता है बिकॉज आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बहुत सारे इंटरव्यू जो है वो फेस नहीं करे हैं, एंड ऑल्सो जो एक प्रिपरेशन होती है वो बहुत जरूरी है. यू विल सी वेरी यू नो सब्सटेंशियल डिफरेंस कि अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं फॉर एन इंटरव्यू, स्पेशली व्हेन यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, और अगर आप बिल्कुल बिना प्रिपरेशन के चले जाते हैं तो यू विल बी लॉट बेटर प्रिपेयर्ड और आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं होगा. सबसे पहली टिप तो ये है कि नो अबाउट द कंपनी एंड उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च करिए कि वो कंपनी किस टाइप की है, उसका हिस्ट्री क्या है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, किस तरीके का जो पूरा वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डू दे बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर वहाँ पे यू नो किस तरीके की जो उनकी एक पूरा एनवायरनमेंट है पूरा वर्किंग का वो किस तरीके का है. अगर वो ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान देते हैं या फिर यू नो ज़्यादा प्रॉफिट्स पे ध्यान देते हैं, डू दे वर्क ओवरसीज या फिर केवल उनका अपनी कंट्री में ही जो ऑपरेशंस हैं वो हैं, एंड किस तरीके के काम करने का उनका स्टाइल है. सो यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, आप जाके ढूंढ सकते हैं नो कंपनी की वेबसाइट पे, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि उनके कंपनी एस्टैब्लिश हुई तो किसने एस्टैब्लिश की थी. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कीप इट हैंडी क्योंकि ये आपको काफी काम आएगी इंफॉर्मेशन, एंड यू विल नो कि किस तरीके की आपके अंदर जो यू नो क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैच करती हैं या नहीं. सो इसीलिए कंपनी के बारे में पता करना पहले से बहुत जरूरी है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है. हो सकता है आपने कुछ इंटर्नशिप की हो, बट ऑल यू हैव इज योर क्वालिफिकेशन. तो जो सारे आपके पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कीप देम ऑल इन वन प्लेस. तो ये ध्यान रखें कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ऑल यू हैव इज टू यू नो बैकअप योर क्वालिफिकेशन, इज कि आपके पास वो सारी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए टू शो द इंटरव्यूअर इफ दे आस्क. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर ऑन दिस चैनल ऑल्सो. मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज जो बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जिनको कि आपको लगता है पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए. व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड तो आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपसे छूट नहीं जाती है जो यू थिंक कि अरे काश मैंने बता दिया होता. तो इसलिए इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस तो यू वोंट फॉरगेट समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं तो यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर वीडियो बना के आप देख सकते हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके की है. तो ज़रूर प्रिपेयर करिए एडवांस में अपने इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए. इसी के साथ आता है दूसरा टिप कि मॉक इंटरव्यू करिए. जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू आप क्वेश्चन पहले से तैयार करके रख लीजिए, बी प्रिपेयर्ड विद योर रिप्लाइज कि आप क्या देंगे, एंड देन मॉक इंटरव्यू करिए. इफ़ यू हैव अ फ्रेंड जस्ट आस्क हिम टू बी देयर एज योर इंटरव्यूअर एंड जस्ट आस्क यू द क्वेश्चन एंड आप उसको फिर रिप्लाई देंगे. यू विल सी कि मे बी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आपके जो रिप्लाईज हैं उतने अच्छे नहीं हैं या फिर आप एक रटा रटा या रिप्लाई जैसा दे रहे हैं, बट विद टाइम आप 3-4 बार उसको करेंगे मॉक इंटरव्यू को, देन यू विल सी कि आप उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपने अंदर एंड आप थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी उसमें ऐड कर सकते हैं. तो इसलिए मॉक इंटरव्यू जरूर करिए. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन ऐसा बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी यू नो ड्रेस करके जाएं वो अप्रोप्रिएट ड्रेस करके जाएं. इफ़ यू आर मेल जो आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो टेक के अप्रोप्रिएटली आप किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किस पोजिशन के लिए जा रहे हैं. शर्ट पैंट अगर आपको पहननी है अच्छे से उनको आयरनिंग करवा के पहन के जाइए, एंड ऑलवेज ऑलवेज बी ऑन टाइम. इफ यू हैव द टाइम की 10:30 पे आपको पहुंचना है, यू शुड बी देयर एंड देन
अपने आप को वहां पे थोड़ा सा आप देखिए कैसा एटमॉस्फेयर है, ज्यादा लोग हैं, किस तरीके की कंपनी है, तो वो थोड़ा आपको काम डाउन होने में बहुत इजी रहेगा. सो ऑलवेज बी ऑन टाइम एंड आई वुड से बी यू नो थोड़ा सा 10 मिनट्स अर्ली जो आपका टाइम हो तब वहां पहुंच जाए. शो स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स. तो यू नो एज आई सेड कि आप पहले जब मॉक इंटरव्यू करेंगे यू माइट फील कि आप रटर जो आपका रिप्लाई है वो दे रहे हैं, पर धीरे धीरे जिस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस करेंगे देन आप थोड़ा सा ये ट्राई करिए कि आपके जो रिप्लाईज हों वो ऐसे हों कि कॉन्वर्सेशनल हो एंड ऑल्सो यू कैन यू नो एड समथिंग कि उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे फॉर द इंटरव्यूअर टू ऑल्सो लिसन टू. तो एक लैंग्वेज जो होती है उसे उनका हो सकता है कि मन बहुत भर चुका हो एंड इफ यू से समथिंग कि जो थोड़ी सी डिफरेंट है थोड़ा उनको सुनने में अच्छा लगे तो वो उनका ध्यान आपकी तरफ काफी अच्छे से आएगा. सो स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करिए एंड दिस ऑल विल कम विद द प्रैक्टिस. Be focused during an interview. ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंड यू नो आप बिल्कुल भी ध्यान दे के नहीं सुन रहे थे. सो बार बार इंटरव्यू को जो क्वेश्चन है वो रिपीट करना पड़े. तो बी फोकस्ड, बी देयर. आप फिजिकली मेंटली बिल्कुल अपने आप को फोकस करके रखिए एंड सुनिए बहुत ध्यान से जो भी जो क्वेश्चन है वो सुना जा रहा है. तो इससे ये होगा कि आप फोकस्ड हैं तो आपको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको किस तरीके का रिप्लाई देना है. बार बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा इंटरव्यूअर से कि उन्होंने क्या बोला एंड वी विल बी वेरी क्लियर इन रिप्लाइंग ऑल्सो. नाउ सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे जो इंटरव्यूअर है वो पूछते हैं, बट आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको कुछ पूछना है एंड ऑल्सो इफ यू रियली जेन्युइनली हैव सम क्वेश्चंस अबाउट द पोजीशन, अबाउट द कंपनी, तो आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस. सो जो भी जॉब से रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं या फिर यू कैन आस्क कि 5 years from now क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, 10 years from now क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन द कंपनी फॉर यू टू यू नो ग्रो फर्दर. तो इस तरीके के जो रिलेवेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं, जो आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू नो, तो वो वहाँ पे जरूर पूछिए एंड इन द एंड बी पॉजिटिव. बिकॉज अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने आप को काम डाउन रख पाएंगे एंड यू विल हैव कॉन्फिडेंस ऑल्सो. नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है वो लेके मत चलिए बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, यू नो द क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, देन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. बी पॉजिटिव कि आप अपना बेस्ट देने जा रहे हैं. जस्ट फील दैट कि एक कॉन्वर्सेशन है, आप अपने बारे में बता रहे हैं बिकॉज आप अपने बारे में बता रहे हैं. बेस्ट तो आप ही जानते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू, जस्ट टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिफिकेशन. सो बी पॉजिटिव एंड हैव द कॉन्फिडेंस. तो ये सारे जो टिप्स हैं फॉर अ ग्रेजुएट जो अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इन टिप्स का ध्यान रखिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बाय गाइज़.